फ्रेंड्स, आप लोग भी हमेशा से यही चाहते हैं ना कि आपको कोई सिंपल सा वर्क मिले जिसको आप इजीली अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपना मोबाइल फोन का यूज करते हुए इजी से काम करें और डेली बेसिस पर अर्न करें। अगर आप भी ऐसा ही सिंपल सा वर्क सर्च कर रहे थे तो आज का जो मेथड है अर्निंग करने का, ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को यहाँ पर थंबनेल देखकर आप गेस ही कर चुके होंगे कि आज का यहाँ पर मेथड क्या है और आपको यहाँ पर कैसी अर्निंग करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिर्फ जो टेबल्स है उनको टीच करना है। आप यहाँ पर टेबल्स को ऑनलाइन टीच कर भी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर एक प्रॉपर सा वे आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मेरे बताए हुए अगर ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को टीच कर भी डेली का यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये काम करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इस वाले प्लेटफॉर्म पर इजिली काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर आप हाउसवाइफ्स है या अगर आप स्टूडेंट्स है तो भी इस वाले मेथड पर वर्क कर अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप अमीरास मेंटर चैनल पर पहली दफा आए हैं तो प्लीज अमीरास मेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर फिर भी आपको ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां से आप लोगों को हेल्प आउट करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे फर्स्ट आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आकर आप यहां पर सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। आप जैसे ये लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने यहां पर माइक्रोसॉफ्ट 365 का ऐप आ जाएगा। आप इसको यहां से इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको सिर्फ यहां से अपडेट कर लूँगी। ये यहां पर आप इंस्टॉल कर लेने के बाद आप यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, इसमें से आपको यहां पर सेलेक्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आप यहां से वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहां पर जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं आपके सामने यहां पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको यहां पर स्टार्टिंग में यहां पर लिखना है आप यहां पर कौन सा टेबल टीच कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है। तो अब मैं आज यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि आप यहाँ पर 12 का टेबल को कैसे यहाँ पर क्रिएट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ टेबल ऑफ 12। टेबल ऑफ 12 लिखने के बाद हमें चाहिए एक टेबल जिसमें हम यहाँ पर सारा अपना टेबल लिखें। उसके लिए आप यहाँ पर एक अप का एरो मार्क दिख रहा होगा, आप उसको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर होम वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर होम पर आ जाइए। होम पर आकर आप यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहां पर जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा टेबल का, आपको यहां पर सिंपली टेबल पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहां पर टेबल पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर एक टेबल आ जाएगा। आपको ये टेबल को यहां पर रोस और कॉलम्स को इनक्रीज करना है क्योंकि हमें यहाँ पर 5 कॉलम्स चाहिए और 10 रोस चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पर कॉलम को बढ़ा लेते हैं, कॉलम को इनक्रीज कर लेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली कॉलम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उस पर यहाँ पर राइट क्लिक कर इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि आप यहाँ पर कॉलम कैसे इनक्रीज करें, तो सिंपली जो थर्ड ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आपके जो कॉलम है यहाँ से इनक्रीज हो जाएंगे। तो हमें चाहिए थे 5 कॉलम्स, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कॉलम्स है तो हम लास्ट के जो 2 कॉलम्स हैं इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो सिंपली डिलीट करने का भी यहाँ पर बहुत ही इजी मेथड है, इजी प्रोसेस है। आप सिंपली यहाँ पर जो कॉलम को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर साइड में डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो भी हमें नहीं चाहिए थे कॉलम्स और रोस वो यहाँ पर डिलीट हो गए हैं। अब हमारे यहाँ पर 5 कॉलम्स तो आ गए हैं, अब हमें चाहिए यहाँ पर रोस। अब रोज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो फर्स्ट रो है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर ली हूँ। सेलेक्ट कर यहाँ पर आपको रो कैसे इंक्रीज करें, यहाँ पर नीचे का एक डाउनवर्ड जो एक एरो जा रहा है वो दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके जो कॉलम्स है वो भी यहाँ पर 5 आ गए हैं और जो यहाँ पर हमें रोज चाहिए थे वो 10 आ चुके हैं। अब हम सिंपली यहाँ पर 12 के टेबल को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो हम लिखे थे टेबल ऑफ 12 उसका जो फॉन्ट कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर नीचे कलर पर आकर मैं यहाँ पर इसका कलर रेड कर दी हूँ, और ये जो जो भी टेक्स्ट यहाँ पर था इसको अंडरलाइन कर ली हूँ। तो सिंपली आप ये नहीं भी करना चाहते हैं तो इसको भी एज इट इज रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 12 का टेबल लिख देंगे, तो इसके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसमें हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, और आपको यहाँ पर सिंपली 1 by 1 भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर 12 को सेलेक्ट कर इसको कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला रो था वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें सेकेंड रो में चाहिए मल्टीप्लीकेशन का सिम्बल, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंबल को इंसर्ट कर इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसको सारा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर पेस्ट कर दी हूँ मल्टीप्लिकेशन सिंबल को, ये सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको ऐसे यहाँ पर हर एक जो रो है उसको कम्प्लीट करना है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो 12 का टेबल है उसको लिख देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सारा कुछ ये टेबल को रेडी कर लेने के बाद, आपको यहाँ पर अगर आप टेबल को थोड़ा सा अगर लास्ट जो रिजल्ट है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, या यहाँ पर अगर आपके टेबल को आप थोड़ा सा कलर यहाँ पर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सारा टेबल को सेलेक्ट करना है। जो भी रो को आप अगर एक भी रो को सेलेक्ट करेंगे तो चलेगा, यानी तो आप सारा यहाँ पर जो टेबल है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक पेंट का आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर अपना जो टेबल है कौन सा स्टाइल में रखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर जो भी अच्छा लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो पर्पल कलर था जो स्टार्टिंग में हम रख कर देखे थे वही यहाँ पर उसको सेट कर दूंगी। कलर यहाँ पर स्टाइल टेबल का सेट करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा फाइल था उसको सेव कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सेव एज पर आकर आप यहाँ पर अपने डिवाइस पर सेव करना चाहते हैं तो दिस डिवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट था उसका यहाँ पर रीनेम कर लीजिए, ये जो कि ये डॉक्यूमेंट है टेबल 12 का, तो उसी के नेम से यहाँ पर दे देंगे और सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स अब आप ये सर्विस दे सकते हैं सबसे फर्स्ट फाइवर पर। अगर आप फाइवर पर आकर यहाँ पर टीच मल्टीप्लिकेशन अगर लिख कर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम गिग्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये सर्विस दे रहे हैं इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही बहुत कम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ 6 to 7 यहाँ पर गिग्स है जो ये सर्विस को दे रहे हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर अगर आप ये सर्विस देंगे फाइवर पर तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे आप उतना ही ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक गिग को यहाँ पर ओपन कर लेकर बताती हूँ। लाइक यहाँ पर एक गिग है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल सा ये कैसा यहाँ पर वर्क दे रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन टेबल को टीच करके यहाँ पर ये $10 एक टेबल का यहाँ पर ये चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर ऐसा अपनी सर्विस देंगे, आपको ऐसे गिग बनानी होगी, आप यहाँ पर अपनी गिग बनाकर आप यहाँ पर क्या क्या टीच कर सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर अबाउट सेक्शन में अपने बारे में लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कितना चार्ज करेंगे, प्रीमियम कितना लेंगे आप, यहाँ पर बेसिक कितना लेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख दीजिए। तो आप यहाँ पर जो स्टार्टिंग में यहाँ पर $10 रख दीजिए, या नहीं तो आप $10 से कम भी रख सकते हैं। तो आप $10 से कम भी अगर रखेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनदर एक गिग है जो यहाँ पर 2 digit के मल्टीप्लिकेशन टीच करने के लिए $25 तक चार्ज कर रहे हैं। तो ये काम करने के लिए अब यहाँ पर कोई आपकी हाई लेवल की स्किल तो नहीं चाहिए, आप यहाँ पर बेसिक स्किल्स का यूज़ कर यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो फाइवर पर अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा साइनअप पर। साइनअप पर आकर आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, या अगर आप न्यू ईमेल एड्रेस बनाकर भी अगर यहाँ पर न्यू ईमेल आईडी से भी अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर कैसे गिग बनाएं, कैसे गिग को रैंक करें, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, उसके बाद सेलर प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद आप यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप यहाँ पर बिकम अ सेलर जो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल है वो बना सकते हैं, एज अ सेलर प्रोफाइल कैसे बनाना है वो देख लेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये सारे स्टेप्स को पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन है लाइक अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले नेम एक बार दे दिए तो आप यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपसे ये एक आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स है ये कंप्लीट करना होगा। लाइक फर्स्ट यहाँ पर आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रोफेशनल जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो देना होगा। सेकेंड आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स सारा कुछ यहाँ पर शेयर करना है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर अपना फुल नेम दे दीजिए,
उसके बाद यहाँ पर आप क्या अपना डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं, क्या लोगों को अपना डिस्प्ले नेम दिखाना चाहते हैं वो दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन लिखना है आपके बारे में कि आप यहाँ पर क्या सर्विस दे सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन अबाउट मी यहाँ पर लिखा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं और उनकी फ्लुएंसी क्या है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर देकर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सनल जो भी आपके यहाँ पर इंफॉर्मेशन थे वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड, आपको यहाँ पर अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना है कि आपको यहाँ पर कौन कौन से स्किल्स आते हैं, आप यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस है आपको वो स्किल्स में, आप यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी नेम पूछेगा, आप सारा कुछ यहाँ पर नेम सारा कुछ दे दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर अपनी एक पर्सनल अगर वेबसाइट है तो वो दे दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो वो जो पर्सनल यहाँ पर आपको वेबसाइट पूछा है उसको एज इट इज़ यहाँ पर वो सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस है तो सर्टिफिकेशंस यहाँ पर अपलोड कीजिए। अपलोड कर यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है अपना बैंक डिटेल्स देकर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे आप सेलर प्रोफाइल बनाएं वो देखे हैं हम। अब आपको यहाँ पर गिग को कैसे रैंक करना है, फर्स्ट कैसे ऑर्डर लेना है वो अगर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको अपनी गिग को रैंक कराना है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछिए, मैं सेपरेट सा उस पर वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेथड जिसके थ्रू आप यहाँ से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।